उनको मैंने लगभग सेम हाइट पे कर दिया है, ठीक है, और दोनों को मैं मूव यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। हेलो गाइस, सुबह का अभी 5 बज रहा है और हम निकल चुके हैं एंगल ड्रोन का वीडियो शूट करने के लिए, और आज हम 2 ड्रोन का प्रोसेस शूट करने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने ऊपर वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहे, लोकेशन पर पहुँचने के बाद बात करते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं F198 ड्रोन वर्सेस M3 मैक्स ड्रोन। दोनों ही ब्रशलेस मोटर ड्रोन है, दोनों में कुछ खास फीचर्स हैं तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एंड दोनों से बेस्ट कौन सा है, प्राइस रिलेटेड सब कुछ यहां पर हम बताएंगे। एंड पहले बता दूं, ये वाला ड्रोन आपको सस्ता मिलता है एंड ये वाला थोड़ा सा महंगा मिलता है, ताकि आप वीडियो गाइस उसी नज़रिए से देखो कि हाँ ये थोड़ा सस्ता है तो उस फीचर से आपको कमी मिल जाएगी। बाकी फ्लाइंग में दोनों कैसे हैं वो सब आपको बताना है कॉमेंट के अंदर। बाकी मैं लास्ट में अपना रिव्यू ज़रूर से दूंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नया आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। दोनों से किसी ड्रोन को बाय करना हो तो लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जा करके कर सकते हो चेकआउट। बाकी बढ़ते वीडियो में आगे एंड करते दोनों का वर्सेस। तो गाइस, सबसे पहले तो ये अपना F198 इसे मैं निकाल लेता हूँ बाहर। एंड कुछ इस तरीके से आपको इसका छोटा सा बैग मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको मिल जाता है अपना ये ड्रोन, बैटरी आपको लगी लगाई एक तो मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा बैटरी भी आपको इसमें मिल जाती है। और ये गाइस इसका रिमोट, ठीक है, मैं इन्हें करता हूँ बाहर और बॉक्स को करता हूँ यहाँ पर साइड में, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको मिल जाता अपना ये M3 मैक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का। इसका बैग थोड़ा सा आपको बड़ा मिल जाता है उसके मुकाबले। एंड कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं बाहर। और ये गाइस अपना M3 मैक्स, तो गाइस ये अपना M3 मैक्स ड्रोन। एंड ये गाइस उसका रिमोट, ठीक है। सो दोनों के रिमोट आ चुके हैं बाहर और ड्रोन भी, सो दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। और भाई देख सकते हो यार, बैटरी सूटकेस के अंदर भर के लेके आया। ओह माय गॉड, ऐसे करे सर सूटकेस के अंदर? तो बस सूटकेस ही था उसका। अच्छा, इसके पीछे का ऐसा रहेगा, चल कोई बात नहीं। सो गाइस, दोनों रिमोट अपने तैयार, दोनों को सबसे पहले मैं अनफोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। एंड पहले तो मैं आपको इसका डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ कैसा है और इसका कैसा है। तो ये अपना कुछ ड्रोन एंड कुछ मैट में इसकी फिनिशिंग है। ड्रोन दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है डिज़ाइन वाइज और लुक वाइज भी, ठीक है, और मुझे ड्रोन दिखने में काफ़ी सही लगता है। इसके कैमरे को आप लोग अपने रिमोट्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो, ये इसका फीचर है। एंड इसमें आपको एक इंटेलिजेंट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी काम का फीचर है, जिससे आपका ड्रोन कभी टकराएगा नहीं किसी चीज़ से। एंड और भी ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एंड ये इसकी बैटरी सिंपल आपको अंदर इन करना है, एंड रिमोट को ऊपर आपके पावर बटन मिलेगा, ऊपर आपको यहाँ पर ये पावर बटन मिलेगा, जिसे दबा करके आपको अपने ड्रोन को कुछ इस तरीके से कर लेना है ऑन। ऑन होते कुछ ऐसा कैमरा अप एंड डाउन होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर ऑन करते हैं कुछ इस वाली बटन को दबा के, एंड थ्रॉटल को ऊपर एक बार करते हैं, बट उससे वाले हाथ में इसे ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो ड्रोन है बहुत फास्ट फेयर होता है, देखो इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपको थ्रॉटल ऊपर नीचे करके करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्लिक में ही पेयर हो जाता है। बाकी इसे हम करते हैं साइड में। और एंड गाइस, अपना अगला जो ड्रोन है वो है गाइस F198, ठीक है, जिसे मैं ओपन करता हूँ और कुछ इस तरीके से। एंड ऑन करते हम लोग इसे, ऑन करते कुछ ऐसा यहाँ पर आवाज़ आएगी आपको, एंड फिर आपको ये इसका रिमोट मिल जाएगा। रिमोट में सिंपल इस तरीके से पावर ऑन करना है, थ्रॉटल ऊपर नीचे करना है, पेयर हो जाएगा, ये पेयर होते हुए ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। एंड मैं इसे भी आपको एक बार दिखा दूँ चला के, तो कुछ इस तरीके से चलता है। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉइज़ इसमें कम है बाकी ड्रोन्स के मुकाबले। बाकी हमारे दोनों ड्रोन्स गाइस तैयार है, दोनों की स्टेबिलिटी टेस्ट सबसे पहले तो करेंगे, फिर कैमरा टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट होने वाले दोनों के बीच में। और सबसे पहले तो आपको मैं प्राइस डिफरेंस बता दूँ,
M3 Max गाइस आपको 3500 से 3500 रुपये के आसपास मिलेगा, बट सबसे सस्ता और सबसे बड़ी जहाँ मिलेगा उसका दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, और ये वाला ड्रोन आपको 2600 से 2700 के आसपास मिल जाएगा। तो दोनों में आपको फीचर की कमी के, इसमें आपको इंटेलिजेंट ऑब्स्टिकल अवेयरनेस फीचर नहीं मिलेगा और साथ में इलेक्ट्रिकल कैमरा एडजस्टमेंट सिस्टम जो इसमें नहीं मिलेगा, तो दो फीचर की कमी है इसमें, बाकी वहीं पे ये दो फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी वीडियो क्वालिटी तो आपको बतानी कैसी है, और लुक वाइज भी गाइस अपना M3 Max बढ़िया है। बाकी स्टेबिलिटी में आपको पता चलेगा कितना बढ़िया कौन सा फ्लाई करता है, कितना मज़ा आता है किस ड्रोन को फ्लाई करने। चलो नीचे रखते हैं, करते हैं इन्हें फ्लाई। चलिए रिमोट लेके चलते हैं। तो गाइस ये है अपने दोनों ड्रोन, ठीक है, जो कि तैयार है यहाँ पर नीचे। एंड ये है गाइस दोनों के रिमोट, F198 वर्सेस M3 Max। बाकी रिमोट के फीचर्स में भी कुछ कमियाँ निकालूँ, सेम वही आपको कुछ कमियाँ मिल जाएगी, जैसे कि आपको इसके अंदर इंटेलिजेंट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिक का पिक्चर, पिक्चर क्लिक करना या वीडियो रिकॉर्ड करना है उसकी बटन्स भी आपको यहीं मिल जाएंगी, वीडियो के लिए यहाँ पर, पिक्चर के लिए यहाँ पर। बाकी इसमें स्पीड एडजस्टमेंट मिल जाएगा सेम, एंड 360 फ्लिप आपको मिल जाएगी यहाँ पे। एंड इसमें आपको ट्रिमिंग के लिए कोई की, एंड इसके ना आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रिमिंग की वगैरह नहीं मिलती, ठीक है। इसमें आपको वहीं 400 ट्रिमिंग की दे दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1K टेक ऑफ फीचर मिलता है, यहाँ पर भी आपको 1K टेक ऑफ फीचर मिलता है, 1K लैंड, ठीक है, ये फीचर मिल जाते हैं। बट इसमें यही दो तीन फीचर कुछ खास हैं जो कि इस वाले आपको ड्रोन में नहीं मिलेंगे। बाकी 600-700 रुपये का रेट का डिफरेंस है, तो भाई इतना तो लाजमी है, ठीक है। बाकी हम लोग करते हैं फ्लाई, एंड दोनों को सबसे पहले हम लोग करते हैं F198 को टेक ऑफ, ठीक है। सिंपल हम टेक ऑफ करके इन ड्रोन को छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने अपना M3 Max कर दिया टेक ऑफ, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर करता हूँ अपना F198 को, ठीक है। थोड़ा सा गाइस अनस्टेबल इसने टेक ऑफ करा, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ये इधर उधर था, तो हो सकता है इसकी वजह से ये करता है। तो गाइस ये अपना F198, ठीक है, तो इसे मैं पास हो जाता हूँ। M3 Max थोड़ी हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो पहले मैं F198 को और इसको हम लोग करते हैं कैलिब्रेट। कैलिब्रेट करने के लिए सिंपल आपको दोनों जॉयस्टिक कुछ इतने एंगल पे करना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद जस्ट 1K टेक ऑफ, और अब लाते हैं उसको ड्रोन को अपने पास, ठीक है। इतनी हाइट पे हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस हम लोग अपने M3 Max ड्रोन को भी इसकी हाइट पे लेकर, ठीक है। तो गाइस दोनों ड्रोन को मैंने लगभग सेम हाइट पे कर दिया है, ठीक है, और दोनों का मैं मूव यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों का रिमोट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है हमारे हाथों में, ठीक है। एंड अब देखते हैं गाइस कौन सा ड्रोन अपना ज़्यादा मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप लोग एक से ध्यान दोगे तो अपना जो M3 Max है वो हल्का हल्का जो है ना अपना हेड उधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये पूरा 360 डिग्री ऐसा अपना जो हेड है वो धीरे 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 मूव करते रहता है। वही हमारा जो F198 है, भले थोड़ा सा अनस्टेबल था स्टार्टिंग में, बट कैलिब्रेट करने के बाद काफ़ी स्टेबल हो चुका है।
एंड ये जो ड्रोन अपना हल्का सा भी गाइस उसे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। वहीं गाइस अपना ये वाला जो ड्रोन है काफ़ी हिल मूव कर चुका है यहाँ पर, देखिए एंड अभी भी धीरे धीरे ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे हमें स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा। स्टेबिलिटी के मामले में तो भाई मुझे F1 980 अच्छा लगा, बट आप लोग M3 Max की तरफ जा सकते हो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कैलिब्रेट करने का दिक्कत नहीं इसमें कुछ खास, ये ऑटोमेटिक ही स्टेबल रहता है। बट हल्का हल्का इसका जो हैंडल मूव हो रहा है काफ़ी और कुछ, ठीक है। शायद से मैं नीचे आया तो इस वजह से वो थोड़ा सा इधर उधर मूव करा। तो यहाँ पे देखो अभी बिल्कुल सामने इसका जो फेस हो चुका है, हमने उस सामने इसका फेस करा था बट अभी बिल्कुल सामने इसका फेस हो चुका है। ये बस ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे घूम रही है। तो मैं इसका जो फेस है वो फिर से स्केच करता हूँ एंड देखो इसमें आपको जो इलेक्ट्रिकल कैमरा जिसमें मिल जाएगा उसका मैं टेस्ट कराता हूँ आपको। यहाँ पे देखो तो इस तरीके से आप लोग अपने कैमरे को अप एंड डाउन कर सकते हो कुछ ऐसे, क्योंकि काफ़ी सही लगता है एंड देखने में भी काफ़ी सही फील देता है। लुक वाइज भी अपना जो M3 Max ड्रोन है वो काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पर अपना F1 980 ना बिल्कुल जमा हुआ है, हिलने का नाम नहीं ले रहा, तो ये चीज़ उसमें मुझे काफ़ी सही लगी। बाकी हाइट टेस्ट करेंगे बट दोनों को एक साथ हमें ले जाना पड़ेगा ऊपर, तो इसका ज़्यादा साउंड है इसका। हाँ इसका साउंड भी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब साउंड तो है ही नहीं, तो बहुत कम है, हल्का फुल्का जो कि वो एयर की वजह से जो साउंड बन रही है बस वो है, बाकी साउंड भी नहीं है। और इवन ये हल्का सा मूव भी नहीं करा अपनी स्पेस से, वो आप लोग देखो। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है 2600-2700 रुपये के ड्रोन में और यहाँ पर आपको 3500 रुपये के ड्रोन में, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी इसमें, उसका साउंड यहाँ तक आ रहा है। बाकी दोनों में 360 फ्लिप करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं M3 Max 360 फ्लिप करते हैं, ठीक है। यहाँ ला के कर यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो अपना जो F1 980 काफ़ी इजीली 360 रोटेट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथली एंड बिना अपनी स्पेस को छोड़े जाना, ठीक है। हल्का फुल्का मूव करके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया 360 डिग्री मूव कर रहा है। बाकी वही हम अगर M3 Max की तरफ जाएँ तो ये कैसा 360 मूव करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये भी गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया 360 अपनी जगह पर मूव कर रहा है, ठीक है, काफ़ी सही। गाइस ये अपने दोनों ड्रोन आपको देख सकते हैं एंड मैंने इन्हें काफ़ी पास में कर दिया एंड ऑलमोस्ट दोनों की हाइट भी सेम कर दी है एंड दोनों यार काफ़ी बढ़िया फ्लाई कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। और बैटरी अभी तक किसी ख़त्म नहीं है बट M3 Max से कुछ ऐसे बीप का सिग्नल आने लग चुका है, ठीक है। तो M3 Max देख सकते अपना हो चुका है डाउन, M3 Max अपना लैंड कर चुका है बट F1 980 अभी तक फ्लाई कर रहा है गाइस अभी तक, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। और F1 980 को हम थोड़ा सा ऊपर भी लेके चलते हैं।
अपने F198 से भी कुछ ऐसा बीप का सिग्नल आने लग चुका है, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी भी जो बैटरी है वो होने वाली है ख़त्म, बट हम इसे भी एंड तक ट्राई करेंगे, देखेंगे दोनों ज़्यादा बैटरी बैकअप कौन सा अपना फोन देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा चार्जिंग का भी हो सकता है, ठीक है, कुछ चार्जिंग का डिफरेंस रहा हो, बट मैंने दोनों बैटरी को फुल चार्ज करा जब तक उनकी जो सांस मतलब उनकी जो रेड लाइट है वो बंद नहीं हो गई, ठीक है। मैंने तब तक चार्ज करा, दोनों को मैंने फुल चार्ज करा। F198 इससे 2-3 मिनट ज़्यादा फ्लाई कर रहा है और अभी भी कर रहा है, ठीक है। 3 मिनट तो हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी फ्लाई कर रहा है। F198 आपको 11 मिनट से प्लस का बैकअप देता है और M3 Max का जो अब तक का जो रिकॉर्ड है 15 मिनट अब 15 मिनट वो तो टोटल वीडियो हो गया। M3 Max का गाइस जो टोटल रिकॉर्ड है वो फ्लाई करने का वो है गाइस अपना कुछ 9 से 10 मिनट का, ठीक है। मतलब 10 मिनट ओवरऑल ये फ्लाई कर जाता है, मतलब मैंने एवरेज जो देखा जितनी बार मैंने फ्लाई करा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 9 से 10 मिनट आपको एवरेज फ्लाई ड्यूरेशन देता है। वहीं इसको मैंने ज़्यादा फ्लाई नहीं करा है, ये इसका सेकेंड टाइम ही है और ये जो हमारे जो ड्रोन है वो अभी भी फ्लाई कर रहा है। 11 मिनट का लास्ट टाइम हमने बैकअप दिया था बट इस बार देखते कितने देर का ही देता है पूरा, ठीक है। वो आपको सब कुछ यहाँ पता चल जाएगा। ये भी गाइस हमने लैंड कर चुका है, ठीक है। तो दोनों ड्रोन गाइस हमने आ चुके हैं नीचे, बट दोनों में आपको कौन सा पसंद आया वो आपको कमेंट में ज़रूर से बताना। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है एंड मेरा ओपिनियन तो ये कहता है अगर आपके पास 2600-2700 रुपये हैं तो आप लोग इसकी तरफ जाओ, और अगर आपके पास 3300-3500 रुपये के आसपास हैं तो आप लोग M3 Max की तरफ जा सकते हो। और मुझे ये वाला ड्रोन बढ़िया लगा, अगर इसमें इलेक्ट्रिकल कैमरा एडजस्टमेंट होता तो और भी ज़्यादा कूल लगता है एंड थोड़ा सा लुक वाइज भी हल्का से मात खा जाता है उससे, बट ओवरऑल ड्रोन काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी लाइट वेट है। मुझे ये वाला ड्रोन है काफ़ी बढ़िया लगा, अंडर 3000 मैं इसे कह सकता हूँ सबसे बढ़िया ड्रोन है, एंड 4000 के अंदर आप लोग P18 Pro की तरफ भी जा सकते हो। चले फटाफट करते हैं पैक और चलते हैं, पहले तो बैटरी को डाल देते हैं। पसंद आई वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट बताना आपको वीडियो में क्या पसंद आया। भाई गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।